अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं यहाँ लेके आई हूँ आप लोग के लिए रेड यम्मी चीज़ पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ी है और बहुत मज़ेदार की है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बटर के लिए थे। आप घी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट अपने फेवरेट वेजेस डाले थे। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्चा, प्याज, गाजर और बीटरूट का यूज़ किया था। आप बीटरूट लेंगे तो ही पिज़्ज़ा रेड बनेगा। और फिर इसे सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैंने मसाला डाले थे। नमक तो एज़ पर योर नीड रहेगा। मसाला पाव भाजी मसाला, हर्ब्स और कैनो फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा चाट मसाला यूज़ किया था। सॉसेस के लिए हम यहाँ पे डालेंगे शेज़वान चटनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शेज़वान चटनी उस दिन ख़त्म हो गया था, बट मैंने नहीं डाला, बट प्लीज़ आप लोग डालें। मेयोनीज, चीज़ सॉस, केचप, केचप के साथ मिक्स करके डालना स्वीट चिल्ली सॉस। आप यहाँ पे पेरे पेरे मसाला भी यूज़ कर सकते हो, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसे थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पे आप कॉर्न डालना, पनीर ले लेना और फिर इसे अच्छे से फिर 2 से 5 मिनट पकाना। पकाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे पिज़्ज़ा ब्रेड, जिसमें 2 भाग कर लेंगे। इसे काटते समय आप सावधानी बरतिए, ये ना बीच में से फट जाता है ब्रेड। हमने बहुत मुश्किल से काटा था। ये काटने के बाद हम यहाँ पे मेयोनीज लेंगे और मोज़रेला चीज़ डाल लेंगे। अगर आपके पास शेज़वान है तो प्लीज़ शेज़वान भी डालिए। अभी हम इसे सेट कर लेंगे। अच्छे से चीज़ वगैरह डालने के बाद हम अपना जो मिक्सचर बनाया था वेजेस का, वो इसके ऊपर रखेंगे। आपका वेजेस सेट करने के बाद हम इस पर फिर से बहुत सारा चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने इस ऊपर से चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों लिया था। मैंने थोड़ा सा चिकन डाल दिया था। आप चिकन अवॉइड कर सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको वेज पसंद है तो। अभी मैंने यहाँ पे ओवरलोडेड चीज़ पिज़्ज़ा बोल दिया है, तो चीज़ तो और बनता है ना भाई। अगर आपको चीज़ ना पसंद हो प्लीज़ आप चीज़ कम रखें। अभी हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल तवा लिया है, जिस पे रोटी बनाते हैं हम लोग। अगर आपका ऐसा जल जाता है तो प्लीज़ आप एक मोटा तवा लें, उस पे फिर तवा रखें, उस पे अपना पिज़्ज़ा रखें। और यहाँ मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है बेक होके, और ये बहुत ही मज़ेदार का था, टेस्ट में भी बहुत डिलीशियस था। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा रेसिपी कैसा था। और मुझे ये भी बताइए मेरा नेक्स्ट रेसिपी क्या होना चाहिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे कनेक्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।